मिठाइयों के अंदर चांदी का वर्क तो दोस्तों सभी खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी चांदी का वर्क बनते हुए देखा है? दोस्तों इसे बनाने के लिए 5 से 6 घंटे तक इसे पीट पीट के बनाया जाता है, और दोस्तों इसके पीछे की काली सच्चाई जान के ना आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों चांदी का वर्क बनने की शुरुआत हो गई है, और सबसे पहले भैया ने यहाँ पे क्लिप लगाया है, और आप ये जो पेपर देख रहे हो, इस पेपर के अंदर यहाँ पे चांदी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो रखे जाएंगे। तो आप ये छोटा टुकड़ा देख रहे हो, इसी को पीट पीट के काफी बड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये जो पेपर नजर आ रहा होगा ना, जो पेपर जैसा लग रहा है आपको येलो और पिंक कलर का, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि जो पेपर है ये भेड़ की खाल से बना हुआ है। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये भेड़ की खाल से क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं, क्योंकि इसे घंटों तक इस बैग के अंदर डाल के इसको हथौड़े से पीटा जाता है। अगर ये कागज का या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या तो फट जाएगा, इसीलिए ये भेड़ की खाल का इस्तेमाल करा जाता है, जिसे कितना भी पीट लो ये फटता नहीं है, सालों तक इसी का इस्तेमाल करा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भैया हथौड़े से लगातार इसको पीटे जा रहे हैं, और कई घंटों तक इसे ऐसे ही पीटा जाएगा, तब जाके कहीं चांदी का वर्क बन के तैयार होता है दोस्तों। और ये जो आप ब्लैक कलर का बैग देख रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोस्तों नॉर्मल सा बैग है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि ये जो बैग देख रहे हैं ना, ये बैग बना हुआ है भैंस की खाल से। जी हाँ दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे जैसे मेरे होश उड़ गए थे। तो अब ये देख सकते हैं आप, चांदी को इतना पीटने के बाद इसका साइज जो है पहले से काफी चेंज हो चुका है। अब इसको दोबारा से डाला जाएगा बैग के अंदर, और फिर से इसे पीटा जाएगा कई घंटों तक। तो दोस्तों अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, अभी भैया इसको बैग के अंदर डाल रहे हैं, फिर इसके बाद अच्छे से इसकी कुटाई करी जाएगी। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहता है लगातार, और 5-6 घंटे तक पीटने के बाद तब जाके कहीं इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये मिठाइयों पे लगाया जा सके, क्योंकि हम साबुत चांदी खा नहीं सकते हैं, इसलिए इसे लगातार इसी तरह से पीट पीट के इतना पतला कर दिया जाता है, तब जाके चांदी का वर्क तैयार होता है। ये देखिए काफ़ी घंटे पीटने के बाद दोस्तों इसे बाहर निकाला जा रहा है, और ये देखिए इसका साइज में आप देख रहे होंगे काफ़ी फर्क आ चुका है। और भैया एक एक करके पीस चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई पीस टूट तो नहीं गया है या कोई पीस बाहर तो नहीं आ गया। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको झूठ लग रही हो तो आप इंटरनेट पर जाके ये सारी बातें जाँच सकते हैं कि ये बातें सच है कि नहीं है। आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है कि चांदी का वर्क कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की वीडियोज़ आएंगी, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि चांदी का वर्क कैसे बनता है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या जानकारी मिली, हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको दोबारा से पीटा जा रहा है, और अब जाके कहीं ये लास्ट प्रोसेस है, और ये चांदी का वर्क बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अब इसे बैग से बाहर निकाला जा रहा है, और अब इसकी जाँच करी जाएगी कि ये पूरी तरीके से बनके तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या ये मिठाई में लगाने लायक है कि नहीं है। तो इसको साइज़ जो होता है वो बराबर मात्रा में देखा जाता है कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं रह गया है, जो ख़राब पीस होगा उसे निकाल के अलग रख देंगे। उसके बाद इस तरह से इसकी पैकिंग भी करी जाएगी, तो हम आपको पैकिंग भी दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब दोस्तों इसके ऊपर क्लिप लगाया जा रहा है, भैया ने यहाँ पे क्लिप लगा दिया है, और अब एक एक करके चांदी का जो पीस है वो पेपर पे ट्रांसफर करा जा रहा है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये चांदी का वर्क उड़ कैसे रहा है, तो इसके पीछे का आपको सीक्रेट यहाँ पे बता देता हूँ, भैया यहाँ पे फूक मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हो कि फूक क्यों मार रहे हैं, तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भैया कैसे फूक मार रहे हैं। तो ये देखिए फूक मार मार के भैया चांदी उड़ा रहे हैं हवा में, उसके बाद इसको पैक करा जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ही मेहनत करी है।